मसाज बूम बूम 2000 yeah. मसाज भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। ऐसे हम निकाल चुके हैं अभी, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। वीडियो शूट रहा है लिम छांबांग थाईलैंड में और मैं अभी टर्मिनल के अंदर हूँ। आज मैं जा रहा हूँ आपको फ्लोटिंग मार्केट लेके और उसके बाद मैं जाऊँगा पटाया सिटी। तो आज मैं आपको पूरा फ्लोटिंग मार्केट दिखाऊँगा थाईलैंड का। यहाँ से हमने टैक्सी ले ली है लिम छांबांग से। आपको फ्लोटिंग मार्केट अगर जाना है तो उसके लिए आपको $75 पे करना होगा रिटर्न टैक्सी का। तो हम लोग पटाया भी जाएंगे तो अराउंड ये हमें पड़ जाएगा $80। हम लोग ये वन वे का नहीं है, रिटर्न भी आएंगे हम इसी में $80 में। यहाँ पे आज हम लोग तीन आदमी जाने वाले हैं, आपको मिलाता हूँ अंदर। ये है अपना पूरा पोर्ट एरिया, शिप अपना वहाँ पे डॉक हुआ है। अभिषेक को तो आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा और एक रामानुज हैं जो पीछे बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम मुंबई। मसाज, हाउ मच इट टेक्स फॉर द मसाज? बॉडी मसाज, बॉडी मसाज, मसाज बूम बूम 2000 बहुत। एंड ओनली मसाज, एंड ओनली फॉर द मसाज, ओनली मसाज, मसाज का अबाउट 400 yeah. okay. no, 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 yeah. तो जैसे कि ये बता दिए ड्राइवर साहब ने, ऑलमोस्ट यही प्राइस है यार, मतलब 400 baht 500 baht से अगर आप यहाँ पे मसाज वगैरह कराते हैं थाईलैंड में तो हो जाएगा आपका। अगर आपने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो काफ़ी लंबा हो गया है, करीब 23-24 मिनट का, तो क्योंकि रास्ते का ही दिखाया मैंने उसमें ज़्यादा आपको। आज मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करने वाला, रास्ते का कुछ नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा क्योंकि रूट सेम ही है, हमने वहीं जाना है। फ्लोटिंग मार्केट जो है, जो पटाया है, पटाया बीच से थोड़ा आगे है। तो अभी ये टैक्सी को हम पहले फ्लोटिंग मार्केट लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे हम होल्ड करेंगे 1 आवर, उसके बाद वापस आएंगे पटाया सिटी। उसके बाद हम वो कुछ अलग एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे जो हमने कल किए थे, वो नहीं, कहीं और जाएंगे। देखो क्या मस्त व्यू है और बादल मस्त लग रहा है, और यहाँ पे एक प्यार सा डॉगी भी है जो अपना सर हिला रहा है। अभिषेक, ये फॉर्च्यूनर कल से थोड़ी अच्छी है ना? कल से बहुत अच्छी है, मुझे लगता है सेकंड टॉप मॉडल है। इज दिस सेकंड टॉप मॉडल? सेकंड टॉप मॉडल, हाँ। तो इसलिए थोड़ा समय, वो भी अच्छी थी लेकिन इसमें थोड़ा अलग फील आ रहा है। देखो भाई फॉर्च्यूनर वाले यहाँ पे टैक्सीज में चलती हैं फॉर्च्यूनर। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने अभी पे नहीं किया टैक्सी का जो हमने पे करना है, क्योंकि जो हमारे पास डॉलर्स थे वो कल हमने खर्च कर लिए और वो एक्सचेंज किया हमने, वहाँ पे वो खर्च कर लिया, टैक्सी को पे कर लिया। आज हमें अपना ATM यूज़ करना पड़ेगा, जो हमारा कार्ड होता है ब्राइडवेल कार्ड, उससे हम लोग विड्रॉल करेंगे। मुझे लगता है रास्ते में कहीं रोकेंगे तो उसके बाद हमको थाई बात निकालने पड़ेंगे। अराउंड कितना निकालेंगे अभिषेक? 5000 थाई बात निकालेंगे, शायद हो जाएगा उससे, क्योंकि टैक्सी का कितना करना है हमने, ऐसे 2500 के आसपास टैक्सी का पे करना है, उसके बाद फिर बाकी 2500 देखेंगे, नहीं तो फिर और निकाल लेंगे, कम पड़ेंगे तो क्यों। और हमारे साथ एक रामानुज है, मैंने पहले आपको बता दिया। तो रामानुज यहाँ क्यों छुपो, बीच में आओ ना भाई। ये है रामानुज फ्रॉम मुंबई। सो रामानुज, पहली बार ऑन बोर्ड आए अभी, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। माय नेम इज रामानुज। हिंदी में बोलो, हिंदी में छोड़, मराठी में बोलो। तो मेरा नाम रामानुज है, मैं पुणे का रहने वाला हूँ। और ये अभी शिप में होटल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। और मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम मैं बाहर आया हूँ। तो अभी आप कौन सी कंट्री में एम्बार्क हुए थे? मैं सिंगापुर में एम्बार्क हुआ था। तो अभी आप सेकंड कंट्री विजिट कर रहे हैं? विजिट कर रहा हूँ। सिंगापुर घूमे आप, मस्त, बाहर गए कि नहीं गए? गए थे, बहुत मजा आया, एंजॉय किया बहुत। अच्छा, यहाँ जा रहे हैं थाईलैंड, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा मजा आएगा थाईलैंड पे। थाईलैंड तो मजे ही मजे भाई। लिम छांबांग से पटाया या फिर फ्लोटिंग मार्केट ये आसपास ही हैं, अबाउट 20 किलोमीटर्स, और हमें वहाँ पहुँचने में 45 मिनट्स लगेंगे, जैसे कि कल के ब्लॉग में लगे थे, लेकिन कल हमें 1.5 घंटा लग गया था। आज देखते हैं, आज ट्रैफिक थोड़ा कम है, अभी तक तो ट्रैफिक नहीं मिला हमें, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सबसे पहले हम जाएंगे फ्लोटिंग मार्केट, वहाँ पे आपको एंट्री फ़ीस पे करनी पड़ेगी 200 baht, खाली एंट्री फ़ीस है, उसमें आप खाली अंदर घूम सकते हो। अगर आपको बोट में जाना है उसके लिए आपको 800 baht पे करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हमें पोर्ट में बताया गया है, बाकी वहीं जाके पता लगेगा। और पटाया में एक और कमाल की जगह है, वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, वो है पटाया डॉल्फिनेरियम। वहाँ पर आप जाओ, डॉल्फिन के साथ स्विम कर सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो डॉल्फिन के साथ, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। वो हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है, वेनसडे को क्लोज रहता है, और 650 मिनट्स के लिए आपको अराउंड पे करने पड़ेंगे। उसमें कुछ ऐसा है, रेगुलर, डिलेक्स, VIP, इस तरह से है। रेगुलर का मिनिमम एडल्ट का 600 baht है और चाइल्ड का 400 baht आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। बहुत सही जगह है वो, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, सिर्फ वेनसडे को क्लोज रहता है। और एक और सुबह 10 बजे, 1 बजे या फिर शाम को 4 बजे आप जा सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे अभी हम रास्ते में रुक गए हैं, हाईवे में, पीछे गाड़ी रुकी अपनी, और यहाँ पे पीछे देखें मेरे आप, ये कुछ बनाए मस्त,
ये ऐसा है, यहाँ पे कुछ आउटलेट्स भी हैं अगर कुछ खाना पीना आपको, ढाबा जैसा होगा ये रस्ते में जैसे होते हैं ना वो। तो यहाँ पे एटीएम है, अभिषेक एटीएम में गया अभी पीछे, तो यहाँ पे जो एटीएम था ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा था, 5 पॉइंट कुछ कर रहा था। अभिषेक कितना निकाल रहे थे आप? 5000 बात के लिए कुछ $32 टैक्स लग रहा था मुझे, और टोटल अमाउंट हो रहा था 163 220 बात पे। ये 5.50 ऐसा कुछ चार्ज कर रहा है ना। तो कल वाला सही था, वहाँ पे 3% था, लेकिन हमें याद नहीं है वो कल कौन सी बैंक का एटीएम था। चलो देख लेंगे आगे, कहीं और ट्राई करेंगे। मनी एक्सचेंज सबसे बेस्ट है, लेकिन मनी एक्सचेंज हमारे पास है ही नहीं, रॉल्स अभी ख़त्म हो गए, यूरो भी नहीं है। ये एक ऑप्शन है ब्राइटवेल। तो यहाँ पे फिर से हम बाहर उतर गए हैं, सामने एटीएम है, अभिषेक वहाँ पे गया हुआ है, ये फिलिंग स्टेशन है। सेम था क्या अभिषेक यहाँ पे भी? तो यहाँ से हम निकाल चुके हैं अभी 5000 बात, ये देखिए इंडिया का ये होता है 2500, और ये एटीएम भी सेम ही था, वही चार्जर है सेम ही। फ्लोटिंग मार्केट द टाइगर जू आल्सो नियर बाय फ्लोटिंग मार्केट, सो वी नीड टू पे फॉर टाइगर जू आल्सो, और इट्स फ्री, एंट्री इज फ्री देयर। आई डोंट नो, यू आर फ्रॉम थाईलैंड और वेयर? यू आर फ्रॉम थाईलैंड? यस थाईलैंड। ये बंदा थाईलैंड से ही है, टैक्सी ड्राइवर है, पता नहीं है। और ये सामने देखिए ये जो टैक्सी जा रही है, नीचे ग्रीन ऊपर येलो, ये बैंकॉक की टैक्सी है। और ये देखिए ये सामने यहाँ पे टाइगर जू से थोड़ा आगे आएंगे आप तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग मार्केट मिल जाएगा, बस हम पहुँचने वाले हैं वहीं पे अभी। ये सारी टैक्सी यहाँ पे पार्क में है, यहाँ पे आपको छोड़ देगी, फ्लोटिंग मार्केट इसके अंदर है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, पीछे टिकट काउंटर है, ये है टिकट काउंटर। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपको एंट्री फ़ी 200 थाई बात देनी पड़ेगी, अगर आपको बोट में जाना है तो उसके लिए आपको 800 पर पर्सन का है थाई बात। यहाँ से सबसे पहले आपको टिकट लेना है, यहाँ से हमने 3 एंट्री टिकट ले ली हैं, अभी आपको अंदर लेके जाता हूँ फ्लोटिंग मार्केट। यहाँ से एंट्री है, बहुत लंबी लाइन है यार। फ्लोटिंग मार्केट में अंदर आने से पहले वो गेट पे आपने देखा होगा वो टिकट हमारे यहाँ पे चिपका देता है कंधे में, उसके बाद अंदर आप घूमो मस्त। तो भाई लोगों ये है फ्लोटिंग मार्केट थाईलैंड का। ये पूरा शॉपिंग सेंटर है इसके अंदर। तो यही फ्लोटिंग मार्केट है, यहाँ पे नाव के ऊपर ही सामान बिक रहा है। ये सारी बोट्स, इसी में शॉप हैं बोट के ऊपर।
यहाँ पे सिटिंग देखिए, मस्त नीचे बैठना है आपको जूते चप्पल उतार के। ऐसा रेस्टोरेंट है। तो यही फ्लोटिंग मार्केट है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको शॉपिंग के लिए कपड़े वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट, यही सब मिलेगा। तो अभी हम निकलते हैं फ्लोटिंग मार्केट से बाहर 5-10 मिनट में। थोड़ा अभिषेक और जो दूसरा बंदा है रामानुज, वो थोड़ा फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं अपनी। आपने बोट का टिकट लिया तो आपको यहाँ पे क्यू में खड़ा होना होगा, यहीं से आपको बोट मिलेगी। तो चलिए अभी एग्ज़िट करते हैं पटाया फ्लोटिंग मार्केट से और निकलते हैं पटाया सिटी के लिए। अभी हम आ चुके हैं वापस टैक्सी के पास। अभी हम निकल रहे हैं पटाया सिटी के लिए। अभिषेक, कैसा लगा आपको ये फ्लोटिंग मार्केट? और रामानुज, आपको कैसा लगा? हेलो गाइस, हम अभी वापस आ चुके हैं अपनी कार में। अपनी कार में फ्लोटिंग मार्केट, वहाँ पे जो घूमा, जो शॉपिंग की, बहुत मजा आया। वहाँ पे क्रोकोडाइल का मीट भी था, ट्राई किया आपने? शायद से आप में से कोई खाते होंगे, शायद से नहीं भी खाते होंगे। पटाया फ्लोटिंग मार्केट से पटाया सिटी जाने के लिए 30 मिनट्स और लगेंगे हमें यहाँ से। यहाँ पे आज गर्मी बहुत है। यहाँ पे आज टेम्परेचर है बाहर का 35 डिग्री सेल्सियस। कल 32 डिग्री था, कल थोड़ा सा बारिश हुई थी इसलिए थोड़ा कम था टेम्परेचर। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम लग गया है, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं हम लोग थाईलैंड में। तो यहाँ पे एक पीपी मसाज पार्लर है, बहुत फेमस। तो भाई लोग थोड़ा अंदर जाना चाहते हैं तो जा रहे हैं अभी मसाज पार्लर से। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे मार्केट की तरफ। Where? There is set up my shopping mall. You walk the beat. Okay. तो ये सेम जो कल की जगह थी शॉपिंग मॉल, वहीं पे ड्रॉप करना, मिक्की शॉपिंग मॉल सेंटर, तो वहीं पे हम जा रहे हैं। शायद पार्किंग वहीं पे है तो वहीं पे ड्रॉप करेगा। उसके बाद हम लोग कल वाली लोकेशन को कवर नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे आज दूसरी जगह कहीं और। यही वो शॉपिंग सेंटर है आगे, और ये पार्किंग है मॉल के नीचे। तो अभी थोड़ा घूमते हैं, वापस आना है हमने यहाँ पर अराउंड 3:30 का टाइमिंग दिया है। वैसे क्रू ऑन बोर्ड 6 बजे आज, क्योंकि आज सेलिंग हो जाएगी 7 बजे शिप की। आज हम लोग जाने वाले हैं थाईलैंड से। ये पूरा सामने पटाया बीच है, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखा दिया था पूरा। ये अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ कि स्ट्रीट में। लव इन होटल, ये वही गली है जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम जाएंगे किसी इंडियन रेस्टोरेंट में। मेरे पीछे देखो आप, ये है इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अगर स्मोक वीड ये सब लीगल है, आराम से आप कहीं पे भी पी सकते हो। और थाई स्ट्रीट फूड है यहाँ पे। एक अमृतसरी रेस्टोरेंट है, वहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं सबसे पहले। यही है सामने अमृतसरी। ये 100 में है। खाने भी पूरे पंजाबी चल रहे हैं, कॉपीराइट ना जाए। ये देखिए, ये सस्ता ही 140 बाट, 50 बाट। ऑनियन कुलचा विद छोले, ये सब आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा मेन्यू है, देखो। ड्रेस कोड भी पूरा इंडियन है। यहाँ पे सेटअप लगा दिया है, सबसे पहले आ गया है थाली, खाना भी आया नहीं है। तो ये आ गया अपना चिकन टिक्का। ये
ये आ गया अपना चिकन हांडी एंड गार्लिक नान। मोस्टली यहाँ पे इंडियन से आ रहे हैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट में। यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्योंकि मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ। अभिषेक, 6 रोटी तुमने खा ली तंदूरी अभी, और कितने खानी तुमने? लंच कर लिया। अभिषेक रामार्जुन, कैसा लगा तुम्हें खाना? बहुत अच्छा खाना था, मस्त खाना था। इंडियन इंडियन खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था। हम लोग चिकन करी, आपको वो मिलेगा, इंडियन खाना मिलेगा, रोटी गार्लिक नान एकदम मस्त। लस्सी जरूर ट्राई करिएगा, लस्सी। कोई ना, तो खाना बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, नॉर्मल लगा। वैसे मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है करी वगैरह ये सब। वैसे मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ वहाँ पे लोकल फूड ट्राई करता हूँ, लेकिन ये लोगों को इंडियन ही खाना था, इस वजह से मैं थाई फूड ट्राई नहीं कर पाया। बट जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब ज़रूर ट्राई करूँगा। वैसे मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ बस वहीं का लोकल फूड, वहाँ का स्ट्रीट फूड, यही सब ट्राई करता हूँ। कि आप कहीं भी घूमने जाओ ना, वहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करो। अभी हम एक हनी मसाज पार्लर है वहाँ पर जा रहे हैं, वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर। और देखिए ये है टुक टुक, यहाँ पे लोकल रहती है गाड़ी, इसका थोड़ा भाड़ा कम रहता है। अगर आपको इधर उधर जाना है तो आप इसको ले सकते हैं। मोस्टली आपको यहीं मिलेंगे आपके यार दोस्त, या फिर पीपी मसाज पार्लर में मिलेंगे। के आसपास का एरिया कुछ ऐसा है। आप चाहे हनी टू में जाओ या पीपी में जाओ, बॉडी मसाज वगैरह या किसी के लिए भी जाओ आप, तो आपको जो प्राइस है वो सेम ही रहेगा। जैसे आप मान लो इसमें कलर रहते हैं कुछ रेड ब्लू ब्लैक इस तरह से, तो स्टार्टिंग है उसका 2200 बात से ऐसे स्टार्टिंग है, फिर 2700, तो आपको 3400-3500 बात तक ऐसे जाएगा। गोल्डन भी हैं, बाकी आप देख लेना यहाँ आके। पे हमारे पैसे खत्म हो गए हैं। अभिषेक कितने बचे हैं? 200 बचे हैं। तो दोबारा हमें एटीएम दे दो इनसाइड, तो वहां पे जाके फिर से हमें पैसे निकालने पड़ेंगे। तो है ये एटीएम मशीन, तो यहां से माल आ गया। थाईलैंड में जो एक ग्रीन कलर के एटीएम है ना, इनसे आप पैसे मत निकालो, जो ब्लू कलर का है। इसमें जो ग्रीन वाले कलर के हैं आपको दिखा देता हूं मैं। जो एटीएम है इनमें 5% चार्ज हो रहा है, ब्लू वाले मिलेंगे ना, तो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप मेरे लास्ट ब्लॉग में देखना, वहाँ से हमने निकाले थे, उसमें 3% चार्ज करता है वो, तो थोड़ा सस्ता बैठ जाएगा आपको। तो एटीएम के पास ही एक मार्ट था, अभी मार्ट में आ गया हूँ मैं। मार्ट कुछ इस तरह का है, जैसे देखो ये चिप्स वगैरह इंडिया में, लेस ये देख लीजिए बड़ा वाला 45 बात का है, तो उसी से आप कंपेयर कर सकते हैं प्राइस वगैरह। तो अभी हम निकल रहे हैं सीधे पोर्ट की तरफ को लेमचमांग, और यहाँ पे अभी टाइम हो गया है 4:30। एक्चुअली मैं टैक्सी को हमने टाइम दिया था 3:30 का, एक घंटा हमने लेट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनको पे कर रहे हैं और पहुँच जाएंगे 6 बजे ऑन बोर्ड है वैसे आज। तो अभी हम बिल्कुल पोर्ट के पास पहुँचने वाले हैं। और रामानुज, आपका तो पहली बार था यार थाईलैंड में, कहाँ आप? Hello, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मेरा नाम है रामानुज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और मैं फर्स्ट टाइम थाईलैंड आया हूँ, तो जस्ट हम यहाँ वहाँ घूम रहे थे, जस्ट इंडियन खाना खाया, बहुत ही टेस्टी था, फुल इंडियन टेस्ट, कोई मतलब एकदम लाजवाब, एकदम लाजवाब। फिर बाद में हम थोड़ी बहुत शॉपिंग की, कपड़े वगैरह खरीदी किए, शूज़ वगैरह लिए यहाँ पे। फिर आप मसाज भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। आप भी आओ, अगर कोई गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और लाइक और शेयर। और अभिषेक, अभिषेक तो भाई इसमें रहता है, अभिषेक का मौसम बन गया था ना भाई, अभिषेक का तो हो गया भाई, मेरा तो मूड मस्त बन गया था। अपनी एंट्री होने वाली है पोर्ट के पास, और अपना शिप वहाँ पे खड़ा है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अभी हम पहुँच गए पोर्ट के पास, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।